दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि स्केटिंग करना पसंद करते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे जबरदस्त स्केटबोर्ड्स जो कि इलेक्ट्रिक पावर्ड रहते हैं और आपकी राइड को बहुत ही मजेदार बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सीरीज की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। नंबर 5, वन व्हील। दोस्तों स्केटबोर्ड्स की बात करी जाए तो सबसे पहले तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा ये वन व्हील को, जो कि एकदम यूनिक से कॉन्सेप्ट पर काम करता है। दोस्तों इसकी खास बात ये होती है कि इस पूरे बोर्ड में सिर्फ आपको एक ही व्हील देखने को मिलेगा जिस पर ये पूरा अच्छे तरीके से बैलेंस करेगा। इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है। इसमें हाइपर कोर ब्रशलेस मोटर लगी होती है जो कि एकदम साइलेंटली वर्क करेगी और ये काफी स्पीड भी देती है आपको। ये मोटर आपको लगभग 26 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देता है और सिंगल चार्ज पर लगभग आप इसे 10 से 13 किलोमीटर तक की रेंज में भी ले जा सकते हैं। इस वन व्हील के साथ आपको कोई रिमोट देखने को नहीं मिलता है, बल्कि आपके जेस्चर से ही ये कंट्रोल होगा। हालांकि इसके साथ आपको एक इसका ऑफिशियल ऐप मिल जाता है जहां पर इससे रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स रहेंगी, लेकिन ओवरऑल पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसपास जाने के लिए ये चीज काफी मजेदार हो जाती है। तो एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट का ये स्केटबोर्ड होता है, तो कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपको ये चीज कैसी लगी है। नंबर 4, वेलॉक्स ऑफ रोड इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड्स। दोस्तों किसी भी स्केटबोर्ड की अगर हम बात करें तो उन्हें खास तौर पर फ्लैट सरफेस के लिए बनाया जाता है, जिससे कि प्लेन रोड पर आप उसे आसानी से ऑपरेट कर सके। लेकिन दोस्तों ये स्केटबोर्ड काफी अलग होता है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही एकदम डिफरेंट रहेगा। ये स्केटबोर्ड खास तौर पर कैपेबल होता है ऐसी रोड्स पर चलने के लिए जहां पर फ्लैट सरफेस ना हो, यानी कि ऑफ रोड ट्रैवलिंग के लिए भी इस तरीके का गैजेट बेहद कमाल का रहेगा, जिससे कि इस स्केटबोर्ड को आप उबड़ खाबड़ रास्तों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्केटबोर्ड में आपको 4 व्हील्स देखने को मिल जाते हैं जो कि सस्पेंशन से जुड़े हुए होते हैं और जब आप उबड़ खाबड़ रास्ताओं पर चलाते हैं तो ये शॉक्स को पूरी तरीके से ऑब्जॉर्व कर लेंगे। लेकिन कमाल का फीचर तो यहाँ पर इसकी स्पीड रहती है, जहाँ पर आप इसे 13 माइल पर आवर तक की टॉप स्पीड पर ले जा सकते हैं, जो कि काफी बेहतर रहेगी किसी भी ऑफ रोड स्केटबोर्ड्स को देखते हुए। साथ ही दोस्तों ये एक बैटरी पावर्ड स्केटबोर्ड है जहाँ पर आपको लगभग 18 माइल तक की रेंज देखने को मिल जाएगी सिंगल चार्ज पर। तो दोस्तों इस तरीके का स्केटबोर्ड खास तौर पर बनाया गया है ऑफ रोड ट्रैवलिंग के लिए, जो कि अपने बेहतरीन सस्पेंशन और स्पीड के लिए जाना जाता है। नंबर 3, GTR Evolve Skateboards। दोस्तों अगर कुछ ऐसे स्केटबोर्ड्स की बात करें जो कि खास तौर पर अपनी स्पीड और रेंज के लिए जाने जाएं, तो इवॉल्व की तरफ से आने वाली GTR सीरीज काफी बेहतर रहती है। सबसे पहले बात करी जाए अगर इसके लुक की, तो ये बेहद कॉम्पैक्ट सा होता है और साथ ही इसमें LED लाइटिंग्स भी लगी होती हैं, जिसकी वजह से देखने में काफी अट्रैक्टिव सा रहेगा। इस स्केटबोर्ड में 1500 वॉट की ब्रशलेस मोटर रहती है जो कि इसे पावरफुल बनाएगी, और जैसा कि ये एक बैटरी पावर्ड स्केटबोर्ड है तो इसमें सैमसंग की तरफ से आने वाली 14Ah की पावरफुल लिथियम आयन बैटरी रहती है, जिससे कि सिंगल चार्ज पर आप इसे लगभग 50 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 42 किलोमीटर पर आर की होती है, जो कि काफी ज्यादा रहेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बैटरी कैरी करने के भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इस स्केटबोर्ड में अगर आप चाहें तो सोनी की तरफ से आने वाली लिथियम आयन बैटरीज को भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि क्वालिटी वाइज काफी परफेक्ट रहेंगी स्केटबोर्ड के हिसाब से। बात अगर इसके सैमसंग की बैटरी की करी जाए तो इसका चार्जिंग टाइम लगभग 4 से 5 घंटों का होता है, वहीं सोनी की बैटरीज लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर आसानी से चार्ज हो जाएगी। इसके साथ आपको एक छोटा सा ब्लूटूथ कंट्रोलर भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप इसकी स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको ये GTR सीरीज में आने वाला ये बेहतरीन सा स्केटबोर्ड कैसा लगा है। नंबर 2, मीपो शफल। दोस्तों अगर आप एक ऐसा स्केटबोर्ड चाहते हैं जहां पर आपको स्पीड तो अच्छी देखने को मिले, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ आप अपने आसपास जाने के लिए करना चाहते हैं, तो ये बजट में रहकर आपके लिए कमाल का ऑप्शन रहेगा। दोस्तों इसमें इनबिल्ट रहती है 620 वॉट की डुअल मोटर्स, जो कि इसे पावरफुल बनाती है। साथ ही इसमें 144 वॉट आर की पावरफुल बैटरी रहेगी, जिसका चार्जिंग टाइम लगभग 3 से 4 घंटों का होता है। लेकिन अगर आप इसके फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो ये आधे घंटे में ही पूरी चार्ज हो जाएगी, और सिंगल चार्ज पर जो इसकी रेंज रहती है वो लगभग 18 किलोमीटर की रहती है, यानी कि आसपास जाने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। दोस्तों काफी कमाल की टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप इसे 46 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर ले जा सकते हैं। तो ये चीज बड़े ही बेहतरीन रहने वाली है, जो कि स्केटबोर्ड को देखते हुए बहुत ही कमाल की रहती है। तो दोस्तों इस तरीके के स्केटबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने पर्सनल यूज में आने जाने के लिए, या फिर आपके बच्चों के लिए भी ये काफी सही रहेगा। इसमें आपको एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जहाँ पर मल्टीपल स्टेजेस स्पीड कंट्रोल होता है, जिससे कि आप इसे अलग अलग स्पीड पर ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही अगर बच्चे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसकी स्पीड को लिमिट भी कर सकते हैं, तो काफी बेहतरीन सी चीज रहेगी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक तो इस स्केटबोर्ड का बनता ही बनता है। दोस्तों नंबर 1, रेजरॉक्स क्रूजर इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड्स।
दोस्तों, अगर आप एक ऐसा स्केटबोर्ड खरीदना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल सिर्फ आप नॉर्मल स्टंट्स वगैरह के लिए करना चाहें या फिर बच्चों के इस्तेमाल के हिसाब से खरीदना चाहें, तो ये स्केटबोर्ड बड़ा ही कमाल का रहता है। सबसे पहले बात इसकी डिजाइन की करी जाए तो बड़ा ही कॉम्पैक्ट सा शेप होता है इसका, जिसे कि कहीं भी आप इजिली लेकर कैरी कर पाएंगे। साइज में ये इतना छोटा होगा कि आपके बैकपैक में भी इजिली आ जाएगा। वहीं दोस्तों, इसकी मैक्सिमम स्पीड लगभग 10 माइल्स पर आवर की होती है, जो कि ठीक ठाक रहेगी, और सिंगल चार्ज पर लगभग आप इसे 40 मिनट तक ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे। तो काफी सिंपल सा ये स्केटबोर्ड होता है, जिसे कि आप प्राइमरी लेवल पर खरीद सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए भी बड़ी कमाल की चीज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्पीड भी एकदम परफेक्ट रहेगी उनके हिसाब से। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएगा कि आपको ये स्केटबोर्ड्स कैसे लगे हैं। वीडियो में दिखाए गए किसी भी स्केटबोर्ड के बारे में अगर आप और डिटेल से जानना चाहते हैं या फिर उन्हें खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।